हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और वैलेंटाइन स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए जा रही हूँ नासिक। और वहाँ पे मैं करने वाली खूब सारी मस्ती, और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि आप लोगों को पता ही होगा नासिक बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे सुला वाइन्स भी है और ग्रेप्स की खेती होती है, स्ट्रॉबेरी फार्म है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, और आपको ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो करना है लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड ब्लॉग देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग एक जगह पर रुके हैं और यहाँ से हम थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह करेंगे। मॉर्निंग का टाइम है, ऑलमोस्ट 9:30 AM हो रहा है। तो और मैं अपने पेट्स के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ। जोई, सो गाइज, मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड नहीं कर रही हूँ, आप मेरे इस ब्लॉग के साथ कंटिन्यू कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ नासिक में। तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेरा जो है नासिक पहुंचने में मैं कहाँ जाऊंगी, तो मेरा जो पहले लिस्ट में है वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लावर्स वगैरह ले लिया। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, इस कहते इस जगह बहुत भीड़ होती है, बट इतनी भीड़ में भी मैं दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि 2 घंटे वेट करने के बाद 2 घंटा और लगना था। तो हम लोग सीधे अपने डायरेक्ट अपने घर पर गए। सो गाइस, कैसा लगा ये? सो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने इस ट्रिप को बहुत अच्छे से प्लान किया था। हमने अपना एक बहुत अच्छा सा हमने पूरा फार्म हाउस बुक किया था जो कि 2 BHK था, अटैच वॉशरूम वगैरह। डिटेल वीडियो में आपको होम टूर करा देती हूँ। आप यहाँ पे कुकिंग वगैरह सब कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ था, गैस स्टोव वाटर जो एसेंशियल चीज़ें थी आपको यहाँ पे अवेलेबल थी। और जो नई चीज़ें आप वो बाहर से लेकर के आके खुद से कुकिंग कर सकते थे, पार्टी कर सकते, वो मैं आपको आगे के मेरे इस ब्लॉग में दिख जाएगा क्योंकि रात में हमने बहुत सारा कुकिंग किया था। और गाइस, यहाँ पे आगे में आपको ये धान की खेती थी, बहुत खूबसूरत था, बहुत। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ मैं आने वाली थी। और ये नासिक की बहुत खूबसूरत जगह, हमने विला बुक किया है, उसका मैं आपको टूर वीडियो करा रही हूँ। अब मैं अपने बैक साइड में आप देखिए ग्रीनरी, जोई जोई की मस्तियाँ हैं अभी चालू है जोई। सो गाइस, चलो आगे मूव करते हैं कि आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी का सारा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइस, यहाँ पे फिश पॉन्ड भी था, आपको लोटस पॉन्ड भी था, सामने में गुआवा फार्मिंग एंड ग्रेप्स फार्मिंग के खेत थे। साथ ही साथ आप आगे जब हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद, हम बोटिंग करने के लिए जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप बहुत अच्छे से मज़ा कर सकते इस जगह पर। इस प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मैं इसे रेटिंग दूँगी 4 मैं रेटिंग दूँगी आउट ऑफ 5। आपको 2 BHK, अटैच वॉशरूम, आपको इस तरीके का पूरा लॉन मिल रहा है, बैकयार्ड बहुत बड़ी है। मैं आपको सो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको पूरा हाउस टूर कराया। अब हम चलने वाले हैं रेस्ट करने के बाद, हम लंच वगैरह सब कुछ ले चुके हैं। मैं और मेरी पूरी जो पलटन है हम सब जाएंगे बोटिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे आगे ही बहुत बड़ी नदी है जो एक किसी मंदिर को कनेक्ट करती है। तो चलिए बोटिंग एंजॉय करते हैं और वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। देखो ना इधर, देखो ना सब लोग, सुला वाइन जाएंगे। सुला वाइन के लिए हम रेडी हो चुके हैं और आपको मैं वहीं पे मिलूंगी, तो आप मेरे साथ। सो
सो गई शाम के टाइम में, इन द सेंस की 4 बजे हम लोगों ने सोला वाइन के लिए निकले थे, क्योंकि वहाँ पे ही हम लोग डिनर करते, थोड़ा बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड करते। तो ये सोला वाइन का इंटरेस्ट मैं आपको बता दूँ, छोटा सा मैं आपको डिटेल दे दूँ सोला वाइन के बारे में। सोला वाइन एक बहुत अच्छा वाइन यार्ड है, जहाँ पे वाइन की प्रोसेसिंग की जाती है, वाइन बनाया जाता है, ग्रेप्स फार्मिंग किया जाता है, और आपको इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वाइन के बहुत सारे वेराइटीज़ वगैरह मिलते हैं। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया में बैठ के खा पी सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वाइन का मजा ले सकते हैं, और आप वाइन की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और गाइस इस टाइम सनसेट होने चुका था ऑलरेडी, क्योंकि हम इवनिंग में गए थे। और आप ये जो भी देख रहे हैं फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे गार्डनिंग का बहुत अच्छा है, फ्लावर्स के बहुत अच्छे कलेक्शन है, हर जगह आपको सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे अच्छे से आपको प्रॉप्स दिए गए हैं। तो बहुत ही बड़ी जगह है ये, जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और फ्रेंड्स के साथ बहुत अनलिमिटेड मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पे सोला वाइन फेस्टिवल भी होता है, जो इस साल कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, आपको यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, कॉटेज भी हैं, विला भी हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। यहाँ मैं हर किसी को बोलूँगी कि ये एक और मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ से मैं आपको आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत जगह पे लेके आई, और वो है सोला वाइन। यहाँ पे आपको ये मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे ग्रेप फार्मिंग होती है, और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी व्यू है। सो गाइस आप देखें ना, आपको कितना ब्यूटीफुल नज़ारा मिला। तो जो भी मुंबई वाले हैं या फिर इसके आसपास वाले, एक बार सोला वाइन में ज़रूर विजिट कीजिए, और ये बहुत हैपनिंग जगह है। तो आई थिंक आपको बहुत इंजॉय आने वाला है आगे की वीडियो में भी, और आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। सो गाइस नासिक आप आते हैं तो सोला वाइन, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और यहाँ का खाना पीना बहुत ही अमेजिंग है। आप यहाँ पे घंटों बैठ सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, साथ में आप वाइन के सिप के साथ आप इटालियन या फिर चाइनीज़ कुजीन लेना चाहते हैं, यहाँ पे इंडियन कुजीन वगैरह सब कुछ है। और आप यहाँ पे अगर हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अच्छा खासा कर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है इसमें आपको होटल एंड मोट्स, तो आप देख सकते हैं ये सारे जो विलाज हैं यहाँ रेसिडेंशियल नहीं है, ये आपको हॉलीडे मनाने के लिए होटल्स वगैरह हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। साथ में आपको वाइन के यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेगी, साथ ही साथ चॉकलेट्स मिलेंगे, चॉकलेट्स के भी यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन है। आपको शॉपिंग करने के लिए टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएगा, और पूरी गैलरी बनी हुई है, और रेस्टोरेंट एरिया बहुत खूबसूरत है, हर जगह सेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और नाइट में ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे बैंड परफॉर्मेंस वगैरह किया जाता है, और जो एक अलग सा माहौल बना देता है, यहाँ पे बैठने का एक अलग ही मजा है। सो गाइस आज का मैं आपको सोला वाइन का कंप्लीट टूर करा रही, थोड़ी बहुत जो डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद अब हम मैं बाड़ी आती है नासिक के स्ट्रीट फूड की। गाइस नासिक आए और आप वहाँ का स्ट्रीट फूड ना खाएँ, बिल्कुल बेकार है। और ये आप जो देख रहे हैं गोलगप्पा, इसको झटका कहते हैं, ये पूरे 3 इंच का गोलगप्पा होता है जिसे आपको एक बार में खाना है, और ये बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, जिसे एक झटका लगता है बिल्कुल। और हम मेरे फ्रेंड्स लोगों ने जो यहाँ पे पहले रह चुके थे उन्होंने सजेस्ट किया, उसके बाद मस्ती करने के बाद फिर हम बैक टू अपने फार्म हाउस आए, और वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना था, और यहाँ से सोला वाइन से हमने जो शैंपेन की बॉटल ली थी उसे ओपन करके हमने इस तरीके से अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया। और उसके बाद हम लोगों ने तंदूरी चिकन भी बनाया, क्योंकि अनलिमिटेड मस्ती होने वाली थी गाइस। सो आप देख ही रहे होंगे मेरे इस ब्लॉग में, आप इंजॉय कीजिए। यू आर वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, और ये दिन हर प्यार करने वालों के लिए बहुत ही स्पेशल है। एंड गाइज मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप सब कैसे सेलिब्रेट किए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नासिक आई हुई हूँ, मैंने अपना वैलेंटाइन डे तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया कि मैं नासिक घूमने आई थी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखा दूँ।
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मैंने बुक किया था, और यहाँ पे आप चारों तरफ ग्रीनरी देख सकते हैं। ये है आई थिंक ये गेहूं का खेत है, सामने नारियल का पेड़। दो दिन यहाँ पे रुकी थी, उसके बाद हम लोग सूला वाइन भी गए थे। सूला वाइन का भी मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल शेयर करूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी भी करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से आपको गाइड करूँगी, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग में तो पता ही है हमारा ये बिल्कुल काम बनता है कि मैं आपको अच्छे से डिटेल दूँ। बहुत अच्छी जगह है नासिक फ्रूट्स के लिए, ग्रैप्स तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ग्रैप्स हो, ऑरेंज हो, गुआवा हो, इन सब चीज़ की यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड गाइज अब हम लोग कहीं और निकल रहे हैं, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग जिस जगह पे हम सबसे पहले गए थे वो है रामकुंड। इसी जगह पे कहा जाता है कि ये पवित्र स्थल है जहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान इस जगह पे स्नान किए थे, और यहाँ पे 4 साल के बाद मेला भी लगता है। और गाइस ये बहुत बड़ी मंदिर है शिव जी की, और इसके बाद ये जगह रेयर है कि आपको किसी वीडियोज़ में कोई दिखाया होगा। गाइस यही वो वनवास स्थल है जहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रहते थे, और यहाँ पे ये कुटिया बना हुआ है। और इस जगह पे आपको मैं दिखा सकती हूँ, श्री राम भगवान का वनवास स्थान था, और यहीं से माँ सीता का हरण किए थे रावण ने। ये पूरा छोटा सा आपको जगह बनाया गया है, यहाँ पे आपको नदी है पास में जहाँ पे सरोवर है, और यहाँ यहीं पे पूरे राम जी ने अपने जीवन काल में, वनवास काल में जो भी रहे थे वो जगह यही है। यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता का फल भी मिला करता है, और मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड गाइस ये सारे टूर करने के बाद हम लोगों को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने नासिक का फेमस मटन भाकरी खाने गए, जो कि यहाँ पे ये बाजरे की रोटी है। आपको एक थाली में 3-4 किस्म का खाना मिलता है, और इसे लुफ्त लेने के बाद हम वापस मुंबई आ गए थे। तो अगर आपको मेरे नासिक का टूर ब्लॉग बिल्कुल पसंद आया था, प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसी ब्लॉग लेकर के आप लोगों के साथ आती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।